अल्लाह मंडी में अचानक चली गोली के बाद आसपास के सभी लोग सत्ते में आ गए। बता दें कि गुना शहर दिनों दिन अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया पुरानी गल्ला मंडी में, जब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने मिलकर एक युवक की पिटाई कर दी, साथ ही उसके ऊपर बंदूक से जानलेवा हमला भी किया। गनीमत रही कि युवक को गोली नहीं लग पाई, लेकिन बहुत बुरी तरह से मारपिटाई कर दी गई है। इसके बाद सभी युवक वहां से फरार हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए बंदूक, जिससे युवक पर गोली चलाई गई थी। उसका नाम हल्के जाट बताया जा रहा है। वहीं हल्के के अनुसार कुछ समय पूर्व युवकों से इसकी लड़ाई हुई थी, जिसके बाद हल्के गुनाह छोड़कर चला गया था। वहीं जब हल्के वापस आए तो इन सभी युवकों ने मिलकर इसको मारने की नियत से घेर लिया एवं गोली भी चलाई गई, साथ ही अपने साथ बैठा कर भी ले जाया गया। लेकिन वहीं आसपास खड़े लोगों की दखल देने की वजह से युवक हल्के को ले जाने में सफल नहीं हो पाए। अभी आ रहा था घर से, रास्ते में तुमने चेक लिया और तुमने गोली चला दी। कितने कितने अंक का नोट किया? उसके एक का नाम पता है, आठ लोग थे, पता नहीं और कौन थे। तो क्या परेशानी थी आपसे? क्या पहले की कोई लड़ाई वगैरह बीच में? तो जब लड़ाई हुई थी मैं चला गया था, इन्होंने रहने लगा था। किस चीज को लेकर? ऐसी कोई पता नहीं, गाली मार दे रहा था मुझे फोन पे, तो एक दिन गाली देकर रूम पे आ गया तो उसने हुई थी हमारी ऐसी लड़ाई। तो अभी आप कहाँ से आ रहे थे? अभी तो मैं फ्रेंड के रूम से आ रहा था। पक्षों में आपसी विवाद पर से जो है झगड़ा हुआ है, जिसमें फायर हवाई फायर की भी बात आई है, जिसकी अपराध कायम कर विवेचना की जा रही है। तो पहले से रंजिश थी क्या भाई? इनकी आपसी रंजिश पहले से थी, उस बात पर से इनका झगड़ा हो गया। कहाँ की घटना है ये? पुरानी गल्ला मंडी की घटना है। उसके बाद पुलिस ने तत्काल मौके पर जाकर कार्रवाई कर आरोपियों की तलाश जारी है। अपराध पंजीकृत है, विवेचना में आरोपी फरार हैं। आरोपी अभी तो नहीं मिले हैं, लेकिन तत्काल मिल जाएंगे।